45 रीजन्स हैं कुल मिला करके, अगर हम दिल्ली सर्कल के भी 12 उनको ले लें और 38 हमारे, तो 50 रीजन्स में सभी ब्रांचेस को हमने एक कंसल्टेटिव आइडिएटिंग प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए हमने आज सभी शाखाओं को आज और कल 2 दिन के लिए 17 और 18 2 दिनों का एक मीटिंग अरेंज किया है। ये कंसल्टेटिव प्रोसेस है, इसका पर्पस ये है कि हम अपना बैंकिंग प्रायोरिटीज़ को नेशनल प्रायोरिटीज़ के साथ अलाइन करें। मुख्य उद्देश्य ये है कि जितने ब्रांच मैनेजर्स हैं वो सजेशंस दें कि कैसे अपने एरिया में कुछ 8 टॉपिक्स हमने चुने, उसमें कैसे हम लोग और बेहतर कर सकते हैं। तो एक तो पर्पस ये था कि हमने कंपैरेटिव स्टडी किया 5 साल का हर ब्रांच का, सबका डेटा निकाला और जिस भी शाखा में कम काम हुआ है उनसे पूछा गया कि आपका इस एरिया में काम क्यों नहीं हुआ। तो एक रिव्यू हो गया कि उन लोग क्या काम किए 5 साल में। बट मोर इम्पॉर्टेंटली ये प्रोसेस है टू गेट फीडबैक फ्रॉम द ग्राउंड कि क्या चैलेंजेस थे जिसके कारण काम नहीं हुआ एंड व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, व्हाट आर द सजेशंस दैट कैन। सो लॉट ऑफ सजेशंस हैव कम फ्रॉम द ब्रांच मैनेजर्स, वी आर इन द प्रोसेस ऑफ कोलेटिंग देम और उसके बाद इसको हम लोग हेड ऑफिस में सारे जितने भी हमारे ब्रांचेस ने सजेशंस दिए हैं उनको एक साथ सब कोलेट करके उसको सॉर्ट करके जो डूएबल सजेशंस हैं उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाएंगे मतलब जो बैंक के लिए पॉसिबल है करना वो हम लोग अपने कॉर्पोरेट सेंटर को देंगे। अगर कोई प्रोडक्ट चेंज लाना है, कोई प्रोसेस चेंज लाना है, उसके लिए हम लोग अपने कॉर्पोरेट ऑफिस को बताएंगे। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो SLBC मीटिंग होगी 22 और 23 तारीख को जो बैंक ऑफ बड़ौदा कन्वीन कर रहा है और उसमें हम बैंकर्स मिल करके जो भी सजेशन हमने कलेक्ट किए हैं ब्रांच मैनेजर्स इसकी डिस्कशन हम लोग 2 दिन करेंगे और बैंक लेवल पर वी विल गिव द सजेशंस टू आवर कॉर्पोरेट ऑफिस एंड इन टर्न हमारे जो चेयरमैन और MD हैं दे विल गिव सजेशंस टू द डिपार्टमेंट DFS जो डिपार्टमेंट इसको एक्चुअली इनिशिएट किया है। द होल आइडिया ऑफ डूइंग दिस हेम रोल है इसमें, इसलिए हम लोगों ने ये बॉटम अप अप्रोच रखा है। सभी ब्रांच मैनेजर से हम पूछ रहे हैं कि किस ज्योग्राफी में क्या काम किया जा सकता है और क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो जो भी सजेशन, बहुत सारे सजेशन आया, फिर इनफैक्ट मैं उसी चर्चा में बैठी हुई थी, सबसे सजेशन पूछ रही थी सबसे, तो बहुत सारे सजेशंस आए हैं। अब कितना प्रैक्टिकल होगा इम्प्लीमेंट करना क्विकली वो हम लोग उसको वर्कआउट करेंगे और मेरे ख्याल से इट्स अ वेरी वन ऑफ इट्स काइंड कंसल्टेटिव प्रोसेस दैट वी हैव स्टार्टेड और इसका अच्छा नतीजा निकला। रोड मैप क्या बनाया आपने? देखिए वैसा कि सजेशंस तो बहुत सारे मिले इसमें, 8 एरियाज को हमने मोटा मोटी कवर किया है। एक तो है ऑफकोर्स MSME जो बहुत इम्पॉर्टेंट है इंडिया के ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, एक वो। दूसरा है डिजिटल पेमेंट्स को कैसे बढ़ाएं, फिर यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स, कैसे टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन कस्टमर्स के बीच में और हम बैंकर्स के बीच में बढ़े, दैट्स अनदर टॉपिक। एग्रीकल्चरल क्रेडिट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एरिया जहाँ हम लोग अगर अच्छा नहीं करेंगे तो इकॉनमी को हम लोग वहाँ नहीं पहुँचा सकते। रिटेल लेंडिंग जो अभी आप जो अभी फ्लेवर ऑफ सीजन जिसको कहा जाएगा वो है रिटेल लेंडिंग, दैट इज़ होम लोन्स वगैरह कैसे हम लोग बढ़ा सकते हैं। होम लोन में भी गवर्नमेंट का ड्रीम है कि बाय 2022 हम लोग हाउस फॉर ऑल सबको मिले, तो उसको भी करने के लिए कैसे हम लोग अपना होम लोन क्रेडिट और इंक्रीज कर सकते हैं। उसके अलावा रिटेल लेंडिंग जो अदर अपॉर्चुनिटीज़ हैं जैसे कि पर्सनल लोन देना, गाड़ी स्कूटर के लिए लोन देना, ये सब कैसे और हम लोग और बेहतर कर सकते हैं। और एक्सपोर्ट क्रेडिट इन इंडिया, दैट इज़ अनदर वेरी इम्पॉर्टेंट एरिया वेर वी हैव टू वर्क अ लॉट, क्योंकि एक्सपोर्ट
क्रेडिट नहीं बढ़ेगा तो फिर हमारा ये इम्पैक्ट आएगा अपने ग्रोथ में। इसके अलावा और फाइनेंशियल इंक्लूजन में जो हमने बहुत सारे PMJDY अकाउंट्स खोले, अब उसको कैसे हम लेवरेज करें टू टेक ऑल द बैंकिंग नीड्स, टू टेक केयर ऑफ द बैंकिंग नीड्स ऑफ ऑल दीज अकाउंट होल्डर्स, उस पर भी हमने काफ़ी चर्चा की। और ये इन सबको ओवरऑल समिंग अप यही कहा जा सकता है कि हाउ टू इनेबल बैंक क्रेडिट टूवर्ड्स द 5 trillion अकाउंट। तो दीज वर द की एरियाज ऑफ डिस्कशन। लॉट ऑफ वेरी गुड सजेशंस हैव कम फ्रॉम द ब्रांच मैनेजर्स हु हैव पार्टिसिपेटेड ऑल अक्रॉस द स्टेट ऑफ UP। हमने यहाँ सिर्फ लखनऊ के करीब 120 ब्रांचेस के साथ अभी मीटिंग की है। सभी जगहों में हम लोग बदायूं, आजमगढ़, बलिया, हर रीजनल ऑफिस में हमने सिमिलर मीटिंग की और इसी टॉपिक पर हमने डिस्कशन किया। तो सबको कोलेक्ट करके हम लोग सजेशन निकाल करके फिर आगे इसको गवर्नमेंट तक जहाँ जाने की ज़रूरत होगी। मैम जिस तरह MSME की जो ग्रोथ रेट है वो इस वक्त 0.1% के आ गई है अकॉर्डिंग टू मतलब इकोनॉमिक सर्वे के, 2016 में जो 9% थी, तो उसमें कैसे मतलब आप बूस्ट अप करेंगे और कैसे, क्योंकि वहाँ पे जो NPA जल्दी भी हो जाता है और वो कहीं ना कहीं इम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा देता है उसके बाद भी। देखिए MSME का एक तो MSME इज अ वीक सेगमेंट, अगर आप बात करें तो, क्योंकि दे डोंट हैव डीप पॉकेट्स। अगर इकॉनमी में कोई इसी तरह का कुछ अगर उतार चढ़ाव होता है तो सबसे पहले अफेक्टेड होता है MSME कस्टमर, MSME एंटरप्रेन्योर जो होता है वो सबसे पहले अफेक्टेड होता है। तो उन लोगों को सपोर्ट करना और उनके पास कैपिटल नहीं होता है। व्हाई वी आर नॉट एबल टू फाइनेंस देम इज बिकॉज दे डोंट हैव एनी इक्विटी टू गिव टू द बैंकर्स जो हम लोग नॉर्मली कोलैटरल वगैरह लेते हैं। तो गवर्नमेंट ने पिछले पहले ही का स्कीम है ये मुद्रा लोन स्कीम, आपने सुना होगा। तो मुद्रा लोन सरकार ने एक स्कीम लाई जिसमें हम लोग कोलैटरल फ्री लेंडिंग करते हैं फॉर MSME कस्टमर्स। तो उत्तर प्रदेश में इसकी खास अपॉर्चुनिटी है। क्यों मैं कहूँ, क्योंकि यहाँ पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री का एक बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। तो यही एक स्टेट होगा शायद कि हर डिस्ट्रिक्ट में कोई ना कोई प्रोडक्ट का कारोबार काफ़ी अच्छे तरीके से हो रहा है। तो हम लोग इसमें क्लस्टर बेस्ड फाइनेंसिंग का अप्रोच ला रहे हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट में आइडेंटिफाई, जैसे अगर आप मुरादाबाद जाएं तो वहाँ ग्लास का काम होता है, फिरोजाबाद जाएं तो वहाँ ग्लास का काम होता है, भदोही जाएं तो कारपेट का काम होता है। तो क्लस्टर वाइज फाइनेंसिंग हम लोग करने के लिए ये इसमें हम लोगों के पास सजेशन्स आए हैं एंड वी विल वर्क ऑन। एंड इसके अलावा स्टैंड अप इंडिया भी गवर्नमेंट का एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। अनफॉर्चुनेटली अभी तक हम लोग उसमें बहुत बेहतर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास उतने बेनिफिशरीज नहीं आ रहे हैं, लोग बढ़ चढ़ के आके हमसे लोन लेने की मांग नहीं कर रहे हैं। उसमें स्टैंड अप इंडिया में ये है कि एक महिला को और एक अनुसूचित वर्ग के व्यक्ति को हर ब्रांच साल में लोन दे। ये तो काफ़ी लंबे समय से चल रहा है लेकिन जो हमारी जो चैलेंजेस इसमें आ रही है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशरीज। तो इसमें भी हमने राज्य स्तर पर मीटिंग की और सजेशंस दिया है कि कैसे हम लोग को बेनिफिशरी हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि लोन देना तो केवल काफ़ी नहीं है ना, हमें लोन को रिकवर भी करना। जी लेकिन जिस तरह मुद्रा लोन में बहुत ज़्यादा जो है NPA बढ़ा, इसमें इवन जो RBI की भी रिपोर्ट है और सिडबी की भी रिपोर्ट है कि मुद्रा में NPA बहुत बढ़ रहा है, तो इसके पीछे क्या रीजन? आई विल लिमिट माय कमेंट्स टू उत्तर प्रदेश ओनली एंड टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यस मुझे खुशी है कि हमारा मुद्रा लोन का NPA जो है इट इज ओनली 9%, जबकि इट इज मच हायर इन एट द बैंक लेवल और ओवरऑल बैंक। तो हमने कुछ कुछ पॉकेट्स को वैसे ही आइडेंटिफाई करके दिया, जैसे ई रिक्शा कानपुर में आप देखेंगे ई रिक्शा बहुत ज़्यादा ये होता है, तो हमने ई रिक्शा की फाइनेंसिंग खुद की और सबका पैसा वापस आ रहा है, मंथली दे आर पेइंग बैक बिकॉज उसमें उन लोग एम्प्लॉयमेंट लोग जनरेट कर रहा है, उनके पास रोज़ कमाई हो रही है तो दे आर गिविंग बैक। तो इतना बड़ा चैलेंज हमारे लिए यहाँ पर
लेकिन जैसे मैम आपने 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात की है, लगातार इंडिया में सारे के सारे सेक्टर, चाहे टेलीकॉम सेक्टर हो, बैंकिंग सेक्टर हो, सब मतलब जो है बिल्कुल वेंटिलेटर पे आ गए हैं। तो इवन FDI भी अगर आप देखें, इकोनॉमिक सर्वे और बजट में भी कहा गया है कि 1.5 ट्रिलियन से वो 1.2 ट्रिलियन आ गया है। तो ऐसे में कैसे हो होगा? अगर हम लोग सब हाथ थक के बैठ जाएंगे तब तो वाकई कुछ नहीं। और ये प्रोसेस स्टार्ट करने का मतलब ही यही था कि कैसे हम लोग इस मुश्किल से बाहर निकले, और उसमें हर एक स्टेक होल्डर का योगदान बहुत ही अहम है। और अगर इस तरह से हम लोग काम करें, अपना जो भी सजेशंस आ रहा है, मेरे समझ से थिंग्स विल लुक अप। और जहाँ तक NPA की बात है, मैं आपको बताऊँ कि आई थिंक द वर्स्ट इज़ ओवर। इतना तो डेफिनेटली आपने भी रिपोर्ट्स में पढ़ा होगा कि NPA जो है, नहीं अब तो ठीक हो गया, अब तो मतलब वो वापसी हो रही है, अब तो वापसी हो रही है। अब वही है, एनिमल इंस्टिंक्ट ऑफ द बिजनेस, उसको बढ़ाना है, पब्लिक कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है, ये बिल्कुल एडी चोटी की कोशिश कर रही है। और हम समझते हैं कि ईज ऑफ लिविंग में ये भी आता है कि कैसे हम अपना जो कस्टमर फ्रेंडली जो भी प्रोडक्ट्स है वो कस्टमर्स को प्रदान करें। और रही बात ATM की, तो अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, मेरे पास दिन में 2 बार डेटा आता है ATMs का। और अभी भी आपको हम देखे मैं बता सकती हूँ कि आज की डेट में, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा है कि 92% अवेलेबिलिटी, क्योंकि मेरे समझ से ठीक है। क्योंकि अगर आप डाउन टाइम देखेंगे, प्रयोग किया है, और उन सब चीज़ों के कारण ये मॉनिटरिंग हम लोग बहुत स्ट्रिक्टली कर पा रहे हैं। यूपी में कितने ATM हैं आपके? यूपी में करीब 2800 ATMs हैं हमारे यहाँ पर, लखनऊ मंडल में और कुछ हम समझते हैं कि 300-400 ATM बाहर भी होंगे। पूरे उत्तर प्रदेश में मिला करके 3700 ATM होंगे।